धारा 370 पर चीन की टिप्पणी पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज, बोला ये भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने को लेकर चीन की ओर से आने वाले बयानों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नई दिल्ली ने बीजिंग को बताया कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें आप अपना हाथ उंगली कुछ भी न डालें। सिंजियांग प्रांत का नाम लिए बिना भारत ने चीन को खुद की आंतरिक समस्याओं का ध्यान दिलाते हुए कहा, नीति के तहत भारत दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देता। बता दें कि सिंजियांग क्षेत्र में चीन को विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सिंजियांग के साथ साथ हांगकांग में भी वो विद्रोहियों का सामना कर रहा है। वहाँ पर हांगकांग वाले ने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। हांगकांग को भी चाइना अपने देश में समाहित करना चाहता है, अपने अंडर लेना चाहता है, जैसे उसने तिब्बत को ले रखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन ने इतना आसानी है और इतना सिंपल स्टेटमेंट देकर क्यों इस मामले को रफा दफा कर दिया है? क्या वो इंडिया से डर गया है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल ये है कि आपको पता होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है और वो इस कंडीशन में बिल्कुल ही नहीं है कि वो इंडिया के साथ कोई और एक मामला निर्माण करे। और उसको ये भी पता है, अगर चाइना को ये भी पता है, अगर हम इंडिया के साथ में कुछ भी आगे पीछे करते हैं तो इंडिया डेफिनेटली तिब्बत के लोगों को कुछ न कुछ प्रोवोक करेगा। और साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कि हांगकांग में वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आंदोलन हो रहा है चीन के खिलाफ, कि चीन हांगकांग को अपने अंडर लेना चाहता है, जैसे उसने तिब्बत को ले रखा है। और इसलिए पाकिस्तान को भी उसका साथ नहीं मिला, इस वैसे मिलने की कोई अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है जो इंडिया ने अपने कानून के जरिए उसे सॉल्व कर लिया है। बहुत अच्छी बात है कि चाइना इस मामले से बहुत दूर दूर है, और अमेरिका ने भी बोला है मामले में खाली शांति बनाए रखने के लिए, और उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक अपना एयर स्पेस जो खोला था सभी भारतीयों के लिए, उसको उसने आंशिक रूप से बंद कर दिया है। उसके साथ साथ उसने जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसे वापस बंद करने का ऐलान किया है। और उसके साथ साथ जो इंडिया के डिप्लोमेटिक राजनयिक पाकिस्तान में हैं, वहाँ से उनको भेजने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो इंडिया में उनके राजनयिक है यहाँ पर उन्होंने न भेजने का ऐलान कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्शन थे जो हमें लगता है कि वो कुछ भी इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। इंडिया ने कश्मीर में जो 370 हटाया, वो देश की और पूरे दुनिया की भी मांग थी, बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू।